चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ फोर्स 5ik प्लस 3jk इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द पॉइंट दिस, ठीक है, एंड वर्क डन टू द पार्टिकल ऑन द पार्टिकल कितना होगा। तो सबसे पहले इसे आप x और y डायरेक्शन में डिवाइड करो, x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन, ये y पॉजिटिव डायरेक्शन, x पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y डैश नेगेटिव डायरेक्शन, ये x डैश नेगेटिव डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ ओरिजिन पे, तो r इनिशियल क्या हुआ, r इनिशियल की वैल्यू जीरो हुई, जीरो का मतलब जीरो i कैप प्लस जीरो j कैप, ये इनिशियल पोजिशन वेक्टर है। फाइनल पोजिशन वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 1j कैप, इट मींस पार्टिकल यहां से मूव करते हुए यहां पहुंच गया, मान लो यहां पहुंच गया, ठीक है, ये हो गया 2i कैप और ये हो गया नीचे वाला माइनस j कैप, तो रिजल्टेंट ये जो हुआ फाइनल पोजिशन ये हो गया कितना 2i कैप माइनस j कैप। ऑब्जेक्ट यहां से ए पॉइंट से एज्यूम करो बी पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, तो आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको डेल्टा आर कह दो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अगर इसे आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो आर इनिशियल तो जीरो है, तो इसको तो लिखें जीरो, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r फाइनल के बराबर हुआ और r फाइनल की वैल्यू ये है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r फाइनल के बराबर हो गया। तो फोर्स वेक्टर कितना है, 5i कैप प्लस 3j कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ कितना हो गया 2i कैप माइनस j कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वर्क डन। तो जैसे हम लोग ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर a है axi कैप प्लस ay j कैप और वेक्टर b कितना है bx i कैप प्लस by j कैप है और आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो a डॉट b, तो i कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं ax into bx प्लस j कैप के कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी ay into by। सिमिलरली वही चीज यहां होगी, 5 और 2 का मल्टीप्लाई आएगा 10 और 3 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई आएगा माइनस 3, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 7 जूल और वो भी प्लस में, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ, प्लस 7 जूल, ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।